ये बहुत बड़ा स्नेक बना हुआ है और महादेव का स्टैचू। हम कोयम्बटूर पहुंच गए सुबह 6:30 बजे, में बस ने छोड़ दिया और इस बस में हम आए थे और ये हमने पेटीएम से बुक करी थी, 1000 रुपये फेयर आया हमारे। जा रहे हैं हम ईशा और यहाँ पे बस स्टेशन आया अभी हम, तो बस स्टेशन से 14D करके ये बस है, यहाँ से ईशा जाती है ये। और यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको बोर्ड मिल जाएगा लगा हुआ, तो आप समझ जाओगे यहीं से मिलेगी बस। इस बस है वो गांधीपुरम बस स्टेशन पर चलती है और ईशा स्टेशन पर छोड़ती है, जो कि 30 या 32 किलोमीटर दूर है और वहाँ पहुँचने के लिए 1 घंटा या 1.5 घंटा मैक्सिमम लगता है। बस पहुँच गए हम ईशा योगी सेंटर और 40 रुपीज़ लिए थे इन्हें हमें आने के, तो एंट्री लेते हैं अंदर। और मतलब यहाँ का रास्ता इतना प्यारा था आते हुए, अब इतनी हरियाली और माउंटेन्स वगैरह दिखते हैं, तो रूट भी बहुत अच्छा। और ये बस स्टेशन है यहाँ पे एक, और ये है गेट ईशा योगी सेंटर का, और यहाँ की वाइब बहुत ज़्यादा अलग है, देख सकते हो कितना सही लग रहा है ये। गेट के सामने ये यहाँ बैग स्कैनिंग वगैरह कराना है और इस साइड है बैग लगेज का, तो चलते पहले स्कैनिंग कराते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये गाइस एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पर आपका, मैं आपका ट्रैवलिंग पार्टनर हेमंत। और अंदर जाने की तैयारी हो गई है, बैग सारे स्कैन हो गए, तो ये बहुत बड़ा स्नेक बना हुआ है। स्कैनिंग का टैग लगते हैं ऐसे बैगों पर और ये हमारा टैग लग गया। और स्टे के लिए आप आ रहे हो तो अंदर बैग ले जा सकते हो, और वैसे आप बाहर डिपॉजिट कर सकते हो बैग अगर घूमने के पर्पज़ से आते हो नॉर्मल। इससे एंट्री लेते ही इतने बड़े बड़े ट्री दिखते हैं और यहाँ पे पूरा गाइड बोर्ड लगा रखा है, वेलकम टू ईशा योगी सेंटर। आप देख सकते हो इस साइड 112 फिट की आदि योगी की मूर्ति है और यहाँ डेली इवेंट्स होते हैं उनकी डिटेलिंग यहाँ लिख रखी है, और शो होता है 7:30 बजे। तो फीलिंग तो कुछ अलग ही है, मतलब पीस चाहिए ज़िंदगी में। कम टू ईशा योगी सेंटर, ये सारा कैफेटेरिया एरिया है, शांति ही शांति। तो गाइस ये हम राइट साइड पे हॉल देख रहे हैं, ये है सूर्य कुंड, यहाँ पर एक कुंड है जिसमें स्नान किया जाता है और अंदर आने के बाद शूट करना अलाउ नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत ही आपको दिखा पाऊँगा। ये रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे आपको पेमेंट्स वगैरह करनी होती है कॉटेज के लिए, तो अभी हमारा मतलब पेमेंट वगैरह हो गया, पेमेंट के बाद वी हैव टू स्टैंड इन लाइक दिस लाइन और फिर उसके बाद यहाँ पे हाथ पर बैंड्स वगैरह बांधेंगे, फिर उसके बाद शटल सर्विस आएगी वो हमें कॉटेज पर ड्रॉप करेगी। तो अभी हमारे बुकिंग वगैरह हो गई, सारी अमाउंट कट गई है और यहाँ पर UPI अलाउ नहीं है, सिर्फ कार्ड अलाउ है, कार्ड वगैरह कैश वगैरह ले सकते हो, और ऐसा बैंड मिला है हमें। और हमारा 2 दिन का चार्ज 1800 कुछ लिया है, तो अभी हम कॉटेज जा रहे हैं अपने, फिर कॉटेज जाके मैं बताता हूँ आगे का क्या सीन है। वो यहाँ पे अभी शटल आएगी, उसमें बैठ के हम जाएंगे अपने कॉटेज में, और कॉटेज का जो नाम है वो शिवापादम 4 करके है, वहाँ पे जाना है। और यहाँ से थोड़ा दूर है, वैसे वॉकिंग करके जाएंगे तो 25 मिनट लगेंगे। और यह यहाँ पर शटल मिलती है, यह हमें छोड़ देगी कॉटेज, और जो ये शटल सर्विस है बिल्कुल फ्री है, मतलब आप कितनी बार भी अपने कॉटेज से सेंटर तक जा सकते हो, तो उसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो गाइस हमें शटल ने छोड़ा है यहाँ पे शिवपादम 4 तीरा ईशा योगी सेंटर से, होगा 5-6 किलोमीटर दूर, और ये अभी बना है, पहले वहीं पर थे सारे कॉटेज, पर अब क्राउड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे कॉटेज बना दिए हैं। तो अभी कॉटेज लेते, मैं अंदर से आपको कॉटेज दिखा दूँ कैसा होता है, तो यहाँ से चाबी मिलेगी अभी। और हमें 3rd फ्लोर का 325 कॉटेज मिला है, चलते हैं ऊपर, और यहाँ कोई लिफ्ट वगैरह नहीं है। हमारा कॉटेज होने वाला है, फुटवेयर के लिए अलग से स्टैंड बना रखा है, एसी वाला रूम दिया है, और यहाँ से मतलब चाबी आप साथ नहीं ले आ सकते, जितनी बार आप नीचे जाओगे आपको सबमिट करानी पड़ेगी। और ये देखिए रूम बहुत ही मतलब डिसेंट और सिंपल सा रूम बना रखा है और बिल्कुल शांति है बिल्कुल। ये रूम से हमारा व्यू है,
और यहाँ पानी को साफ रखने के लिए कॉपर का यूज किया जाता है। One hour later. हो गए हम रेडी, अब जा रहे हैं नीचे जहाँ पूरा आश्रम है वहाँ पे रिकॉर्ड करना मना है। बस शिव जी की मूर्ति आदि होगी कि उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाहर का एरिया है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अंदर का तो बस मैं आप घूम के जब आऊँगा डिटेल बता सकता हूँ कैसा है सब। कॉटेज जो है बिल्कुल शांत है, मतलब कोई शोर शराबा नहीं कुछ नहीं। अंदर तो शूट करना अलाउ नहीं है। और हमने आज अंदर जो एक्टिविटीज़ की, सबसे पहले हमने सूर्य कुंड है अंदर एक नहाने का, उसमें हम नहाए। स्नान करने के बाद अच्छे से हमने फिर ब्रंच किया जिसकी टाइमिंग होती है 11:30 बजे तक लास्ट बैच होता है। फिर उसके बाद हम बैठे ध्यान लिंगा में बैठे जब, तो मैं 10 मिनट के लिए बैठा था, मुझे नहीं पता लगा वो 1 घंटा कैसे निकल गया 10 मिनट में। आप आके बैठोगे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, कुछ स्ट्रेस पता नहीं लगेगा, बस आप शिवलिंग में लीन हो जाओगे पूरे। ध्यान लिंगा में कुछ ऐसा है कि सामने शिवलिंग बना हुआ है और उसके चारों तरफ आप बैठते हो, और ध्यान में एक बार आप चले गए तो आपका 1 घंटा आधा घंटा कहाँ गया पता नहीं। फिर कॉटेज गया, उसके बाद अब मैं आया हूँ वहाँ पे आदि योगी की स्टैचू देखने, तो वो चलते स्टैचू के पास। तो ये रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ती हैं और यहाँ पे बैलगाड़ी चल रही है। हर जगह आपको एक पीस वाइब मिलेगी, और मैं कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रहा यहाँ पे क्योंकि कोई इतना लाउड बात नहीं कर रहा है, ना कोई इतना लाउड बोल रहा। तो अपने आप को अगर थोड़ा सा लाउड हो जाता तो ऐसा लगता है कि यार क्या गलती कर दी मैंने। तो आप सामने देखिए, ये रहे पीछे से आदि योगी की मूर्ति। ये 112 फिट की है ये, और मतलब रियल में तो मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, मेरे को बहुत ही अलग, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। जो आंखों से देख सकते हो मैं कैमरे से नहीं दिखा सकता, पर आपको ज़िंदगी में एक बार मस्त है यहाँ आना ही पड़ेगा, नहीं आओगे तो भोले बाबा बुला लेंगे, तो अलग ही चीज़ है। अभी मैं आगे से दिखाता हूँ आपको। ये रहा महादेव का स्टैचू, और मतलब सामने से देख के तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने ही बड़े हैं ये, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है आसमान को टच कर जाएंगे। और एकदम प्योर वाइब आ रही है ना, इतनी प्योर वाइब, बहुत ज़्यादा अच्छा। और बहुत क्राउडेड हो रखा है, मतलब नॉर्मल है, और यहाँ पे ना शिवरात्रि वाले दिन पूरे में शो होता है, और आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। सात बजे शो चालू होगा यहाँ पर, एक जो म्यूजिक और लाइटिंग का होता है, तो उसी के लिए भी रुके हुए हैं। He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. तो गाइस ना अमेजिंग शो देखने के बाद, मतलब मेरे तो एकदम, मैं ऐसा हो गया था कि बस भोले बाबा के अंदर जो चल रहा था उसके अंदर जो यूनिवर्स दिखा रहे थे
उस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा खो गया था और ये चीज़ बहुत ही अलग है। तो मेरा तो हो गया दिन पूरा आदि योगी का। कल मैं बस सुबह उठ के चेन्नई निकल जाऊँगा, चेन्नई से फिर घर निकल जाऊँगा। बट ज़िंदगी में एक बार आपको यहाँ आना चाहिए। अगर लाइफ में कुछ पीसफुल और भगवान में बिलीव रखते हो तो मिलने के लिए भगवान को यहाँ ज़रूर आओ। तो बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं जल्दी से आगे के व्लॉग में, नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग मैं करता हूँ यहीं पे एंड, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जितना हो सके उतना। तो बाय बाय, बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।